Can I put some apples in them? Apple is one of them. An apple, thank you. Just off the way. So we need four apples then. Tell me one. Hey guys, welcome back again to my channel. आज मैं आपके साथ एक डिफरेंट वीडियो शेयर करने जा रही हूँ. मैं इस टाइम बनाने जा रही हूँ जूस और मेरे साथ है मेरा सन. तो जैसे जैसे मैं जूस बनाऊँगी मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करने जा रही हूँ. तो यूके में अब स्टार्ट होने वाली है स्प्रिंग. स्प्रिंग इज़ ऑन 20th of March. तो जैसे कि अब वेदर थोड़ा चेंज होने वाला है तो ऑब्वियसली जब बच्चे स्कूल से आते हैं तो ज़्यादा उनको थर्स्टी होता है. तो मैंने जूसर सेटअप करके रख लिया है. तो आज भी हम बनाएंगे पहले जूस और साथ साथ मैं आपसे कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ जो कि मुझे लगता कि आपके लिए भी बेनिफिशियल होंगी. तो जब हम जूस बनाते हैं तो काफ़ी टाइम होता है कि बच्चे नहीं उसको ट्राई करते, वो कहते हैं कि हमने नहीं करना. तो फर्स्ट थिंग मैं जो ट्राई करती हूँ मैं अपने चिल्ड्रन को साथ इन्वॉल्व करती हूँ. तो जैसे कि ये मेरा सन अब कर रहा है तो उसको पता है कि उसने कौन कौन से फ्रूट्स खाने हैं तो वो अपने आप जूस निकाल रहा है. तो अगर आपके भी छोटे किड्स हैं तो उनको भी आपको चाहिए कि काफ़ी ऐसी चीज़ों में जो सेफ़ है उनकी एज के अकॉर्डिंग आप उनको इन्वॉल्व कर सकते हो. ऐसे करने से उनका एक तो वो इंडिपेंडेंट होंगे, वो लर्न करेंगे और दूसरी थिंग बच्चों को काफ़ी इंटरेस्ट होता है. वो क्यूरियस होते हैं, हर एक चीज़ हैपनिंग कैसे ये होता है वो देखना चाहते हैं. वो कई बार क्या होता है कि बच्चे आपको कुछ टीच करना चाहते हैं तो आप उनको लिसन करें और उनसे लर्न करें. तो यहाँ पे आप देखें मैंने जो जूस वाला जग था वो मैंने उठा के पल्प वाली साइड पे रख दिया. तो वहाँ पे मेरा सन एग्री नहीं हो रहा, वो कह रहा कि नाउ दिस इज़ फॉर जूस. तो मैंने उसका कोई और रीज़न था लेकिन वो कह रहा कि नो मम्मा ये उसके लिए बना है तो वो वहाँ पे ही रखो. तो जब हम बच्चों को घर के कामों में इन्वॉल्व करते हैं तो वो जाने अनजाने में काफ़ी कुछ हमसे सीखते हैं. हमने भी अपने एक्सपीरियंस में हमने भी ऐसे ही लर्न किया है और ऐसे ही हम अपना एक्सपीरियंस अपने बच्चों को शेयर करते हैं और वो लर्न करते जाते हैं. और काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो हम उनसे लर्न करते हैं क्योंकि वो यंग जनरेशन है और हम अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर करते हैं और वो इन रिटर्न हमें अपनी जो सारी बातें हैं वो देते हैं. तो आई थिंक ये काफ़ी क्रूशियल टाइम होता है जब आप कोई भी घर के टास्क करते हो और बच्चों को साथ बुला लेते हो. और एक तो वो देखते हैं कि ये सारा कुछ कैसे हैपन हो रहा है और जो अगर वो खाने वाली चीज़ है तो वो उनको पता चलता है कि ये कैसे प्रिपेयर हुई है और उनको खाने में बाद में मज़ा आता है. बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत ज़रूरी है. जब वो स्कूल से आते हैं तो इमीडिएटली तो वो आपसे कुछ कई बार शेयर नहीं करते. तो मैं समझती हूँ जैसे ये टाइम है आप कुछ ना कुछ उनके साथ टास्क करें और करते करते वो आपको बताते हैं. कई बार कोई आप स्टार्ट करते हो बात तो उस बाद में वो आके उसको याद आ जाता है तो वो आपसे शेयर करते हैं. तो आई थिंक वो टाइम बहुत क्रूशियल होता है. बच्चे अगर कुछ कहते हैं तो आपको कई बार कोई क्लू देते हैं तो आप उनको ज़रूर सुने. और ऐसे बच्चा डरता नहीं है उस टाइम जब वो कोई ना कोई टास्क कर रहा होता है. तो बच्चों को ज़रूर कोई ना कोई टास्क दें और उसमें आपकी भी एंगेजमेंट होनी चाहिए, आप खुद भी इन्वॉल्व हो और बच्चों से पूछें. स्कूल में काफ़ी टाइम वो ऐसी चीज़ें हैं वो घर पे आके नहीं आपको बताते. वैसे तो बच्चे जब स्कूल से आते तो उस टाइम वो कोई बात नहीं करते होते क्योंकि वो टायर्ड होते हैं. तो एक तो स्कूल की रूटीन ऐसी होती है वहाँ पे कि बच्चों को सारा दिन इतनी फ्रीडम नहीं वहाँ पे मिलती कि वो रिलैक्स होके रह सकें. बेशक यहाँ के स्कूलों में इतना प्रेशर नहीं है लेकिन फिर भी उनको वो जो रूटीन्स है स्कूल की उनमें रहना पड़ता है.
तो स्कूल से आते ही वो थोड़ा टाइम वो रिलैक्स का मांग रहे होते हैं, तो उस टाइम वो शेयर नहीं करेंगे आपसे कुछ बात। तो ऐसे ही कोई घर के चोर्स आप फाइंड करो और उसमें खुद इन्वॉल्व हों और बच्चों से पूछें और उनको भी शेयर करने का मौका दें। तो आई थिंक ये एक पेरेंट की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी फैमिलीज़ है, जैसे कि हमारी फैमिली है, हम बच्चों को स्लीप ओवर वगैरह के लिए नहीं छोड़ते। तो कई बच्चे जैसे हमारी फैमिली नहीं जाती कहीं पे, तो वो बोलते कि आपकी स्लीप ओवर क्यों नहीं करने आते। तो कुछ एक चीज़ें हैं जो हम रिस्ट्रिक्शंस रखते हैं, हमारे नई ट्रेंड है, तो ऐसी चीज़ों को बैठ के बच्चों के साथ डिस्कस करें कि लुक ये हमारी प्रायोरिटीज़ है और ये हम कर सकते हैं और ये नहीं कर सकते। तो आई थिंक कि बच्चे भी अंडरस्टैंड करते हैं, वो भी काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं। तो आप ये चीज़ें कैसे हैंडल करते हो मेरे को कमेंट्स में प्लीज़ बताना। It's all edible, that's a great thing. So we're going to send the peaches in. There's a rainbow inside that room. Bring it a little bit forward. And start. When you start it, put your hand here, okay? I will do it without putting your hand there. So I am going to do this. Put your hand over. Okay, I'm ready. Should I play it? We'll be right back.
Your glass.